हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन नव भारती परिवार एंड इन माय क्लास ऑफ अकाउंट्स। आवर रनिंग चैप्टर एज यू नो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। आज का जो मैं इसके अंदर टॉपिक ले रहा हूं, आपसी समझौते से अनुपात परिवर्तन यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। चैप्टर चल रहा है नए साझेदार का प्रवेश, लेकिन जो ये टॉपिक है ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर इस टॉपिक को मिक्स कर रखा है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, लेकिन अकाउंट इज अकाउंट। इस टॉपिक का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, दो या तीन पार्टनर, उन्होंने चार पांच साल तक अपने बिजनेस को रन कर लिया, अचानक वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से या करंट ईयर से जैसे हम प्रॉफिट बांटते आ रहे हैं या लॉस को बांटते हुए आ रहे हैं, इसको अपन चेंज करेंगे। और ये सब आपसी सहमति से होता है। जैसे एक्स और वाई 3:2 के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे, और फिर उन्होंने आपसी सहमति से बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट आपसी सहमति से इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अंदर न तो कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, न कोई एडमिशन है, केवल इन्होंने अपनी इच्छा से आपसी सहमति से आपसी समझौते से इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, तो ये भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया। पुरानी फर्म क्या थी? 3:2, पार्टनर वही है, पार्टनर एक्स और वाई है, लेकिन पुरानी फर्म क्या थी? 3:2, और इसकी जगह पे एक नई फर्म अस्तित्व के अंदर आ गई, 1:1। तो फॉर योर गुड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, जब कभी भी साझेदार अपनी आपसी सहमति से अनुपात को चेंज कर लेते हैं या अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी साझेदार को तो लॉस होता है और किसी साझेदार को प्रॉफिट होता है, यानी कि गेन होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर के अंदर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा है, तो इसके अंदर एक अनुपात की गणना की जाती है, जिसे कहते हैं त्याग का अनुपात या फायदे का अनुपात, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। क्या सूत्र होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी देखेंगे। सैक्रिफाइस एस स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस ऑब्लिक मीन्स या सैक्रिफाइस और द गेनिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो या न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये दोनों फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए इजी कौन सा होगा? अपन ने सैक्रिफाइस रेशो पढ़ा हुआ है, और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अभी मैं इसको इसी से समझाने की कोशिश करता हूं। सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो ए का कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशो में लूंगा। पहले ए को कितना मिल रहा था? 3/5 मिल रहा था। 3/5 के अंदर से न्यू रेशो फ्यूचर के अंदर क्या होगा? 1/2। तो इसके अंदर से मैं ये 1/2 लेस कर दूंगा, और इसी तरह से बी का ओल्ड रेशो लूंगा, तो बी को पहले कितना मिल रहा था? 2/5 मिल रहा था, और जब इन्होंने रेशो चेंज कर लिया तो चेंज करने के बाद में इसको कितना मिल रहा है? 1/2 हिस्सा मिल रहा है। तो इसके अंदर से मैं ये 1/2 लेस कर दूंगा। स्टूडेंट एलसीएम कितना आया? 10, 5 2 जा 2, 3 जा 6 माइनस 2, 5 जा 5, 1 जा 5, 6 माइनस 5
अनुपात का निशान 5 × 10 2 × 4 माइनस 2 × 5 = 10 5 × 1 = 5। स्टूडेंट्स 6 में से 5 आसानी से माइनस हो सकता है, लेकिन यहां अपन देखते हैं तो 4 में से यदि 5 अपन माइनस करते हैं तो नेगेटिव फिगर आ रहा है, माइनस का फिगर आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर मेरी आप सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल सलाह है कि जो अपन ने ये फॉर्मूला अभी यूज किया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसको अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर स्टडी करेंगे, अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अपन को ये समझ में आ जाए कि किस पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ा या किस पार्टनर को लॉस हुआ और किस पार्टनर को गेन हुआ। जैसे फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यहां पर ये ए को ओल्ड यानी पहले कितने रुपए मिल रहे थे, 6 रुपए मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि इसको न्यू रेशो के हिसाब से कम मिल रहे हैं तो इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसको लॉस हो गया तो 6 में से 5 गया तो ए और ये 10 नीचे है, 1/10 का इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा। और यदि बी की बात करें तो ओल्ड रेशो यानी पहले कितने मिल रहे थे, 4 रुपए और अब इसको कितने मिल रहे हैं, 5 रुपए, यानी कि 1 रुपए इसको ज्यादा मिल रहा है। और समझने के लिए खाली 1 रुपया बोल रहा हूं, वास्तव में फिगर क्या है, ये माइनस का फिगर आ रहा है तो 1/10 का इसको गेन हो रहा है, ये बी को गेन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सैक्रिफाइस की वैल्यू क्या है 1/10 और गेन की जो गेन का जो फिगर है वो भी कितना है 1/10, बट नेचुरल ये दोनों फिगर बराबर ही होंगे। तो इस तरह से रेशो चेंज करने से ए को नुकसान हुआ और बी को फायदा हुआ। अब अपन इस रेशो से कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के भी यानी कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो यूज करके भी आंसर यही आएगा, अभी अपन बोर्ड के ऊपर देखेंगे। स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से लेंगे, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए की बात करें तो मैं पहले ए का न्यू रेशो रखूंगा, ए का न्यू रेशो कितना है 1/2 माइनस हिज ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना था 3/5। इसी तरह से बी की बात करें तो बी का न्यू रेशो कितना है 1/2 और ओल्ड रेशो कितना था 2/5। अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे तो 2 × 5 = 10 5 × 1 = 5 माइनस 5 × 2 = 10 2 × 3 = 6। इसी तरह से 2 × 5 = 10 5 × 1 = 5 माइनस 5 × 2 = 10 2 × 3 = 4। अब अपन देख रहे हैं कि 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, ये फिगर माइनस का हो गया। तो जैसा मैंने अभी बताया, जब भी फिगर माइनस में आ जाएगा तो अपन इस रेशो को अपनी लैंग्वेज के अंदर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो यानी कि ए को रेशो चेंज होने के बाद में कितने मिल रहे हैं 5 रुपए और ओल्ड माइनस किया है, पहले इसको 6 रुपए मिल रहे थे यानी कि पहले ज्यादा मिल रहे थे और अब कम मिल रहे हैं तो 1/10 का ए का सैक्रिफाइस हुआ, ए का 1/10 का सैक्रिफाइस हुआ। और इसी तरह से न्यू रेशो यानी कि बी को अभी कितने मिल रहे हैं 5 रुपए और पहले कितने मिल रहे थे 4 रुपए, ओल्ड रेशो यानी पहले कितने मिल रहे थे यानी कि पहले इसको ज्यादा मिल रहे थे, अभी इसको ज्यादा मिल रहे हैं 5 रुपए मिल रहे हैं और पहले 4 रुपए मिल रहे थे तो इसको गेन कितना हो गया 1/10 का गेन हो गया। आंसर स्टूडेंट्स अपन देख रहे हैं कि दोनों के अंदर ही एक आया है। इस चैप्टर के अंदर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ, कई तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का एडजस्टमेंट होता है, कैपिटल भी एडजस्ट होती है। अभी इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा,
और पिछले वीडियो के अंदर अपन ने गुडविल की चर्चा की थी, तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से अभी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड की हिंदी एडिशन की जो बुक है उसके अंदर एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 46 क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3:2 में 3:2 में अपना प्रॉफिट बांट रहे थे, भविष्य के अंदर जो इनका नया अनुपात है इन्होंने आपसी समझौते से तय कर लिया कि प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, और जब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया तो ख्याति का जो मूल्यांकन है वो 60,000 रुपए के ऊपर किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री दो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, मैं इसको सैक्रिफाइस वाले रेशो से कर रहा हूं। एक यदि अपन बात करें तो ए का ओल्ड रेशो कितना है, ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और माइनस न्यू रेशो कितना है 1/2, और बी की यदि अपन बात करें तो बी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5, तो ये 2/5 मैंने यहां पर रख लिया, और माइनस इसका न्यू रेशो कितना है 1/2, इसका एलसीएम लूंगा तो 5 × 10 2 × 3 = 6 −2 × 5 = 10 5×1 = 5 यहां पर 5 × 10 2 × 4 −2 × 5 = 10 5×5 यहां अपन देख रहे हैं कि फिगर माइनस में आ रहा है, तो अपन इसकी स्टडी करेंगे, इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। ओल्ड रेशो यानी पहले कितना मिल रहा था, 1/6 रुपए मिल रहे थे, और रेशो चेंज होने के बाद में 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा 1/10 का, इसको सैक्रिफाइस हुआ, ए लॉस में चला गया। और इसी तरह से बी को अपन देखते हैं, ओल्ड रेशो यानी पहले 4 रुपए मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं 5 रुपए, यानी कि इसको 1/10 का गेन हुआ। यहां तक कोई नई बात नहीं है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जब इन्होंने रेशो चेंज किया 4-5 साल बाद में जब भी किया तो गुडविल का वैल्यूएशन कितने के ऊपर किया, 60,000 के ऊपर इसका वैल्यूएशन किया। अब इस गुडविल के अंदर से 1/10 हिस्सा अपन कैलकुलेट करेंगे, तो 60,000 रुपए का 1/10 10 × 60 6,000 रुपए का मैटर है, 6,000 रुपए का मैटर है, या जो झगड़ा है वो 6,000 रुपए का है। फायदा किसको हो रहा है, बी को गेन हो रहा है, रेशो चेंज होने से ये फायदे में चला गया और ये नुकसान के अंदर चला गया। तो स्टूडेंट्स, यदि अपन अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ये जो बी है, ये बी हंस रहा है, क्या कर रहा है, खुश है, क्योंकि इसको गेन हो गया और ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा तो ही इज वीपिंग, ये रो रहा है। ये केवल मैं आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। तो एंट्री क्या होती है, जिस पार्टनर को गेन होता है गेनर पार्टनर को डेबिट किया जाता है, गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और जिसको लॉस होता है, जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ा है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनती है, गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि हंसने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बी को फायदा हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, जन गुडविल के लिए 20 कैपिटल अकाउंट डीआर कितना 6,000 रुपए इसके अकाउंट को फर्म डेबिट कर देगी, और लॉस किसको हो रहा है, ए को हो रहा है, तो एंट्री कर देंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट, इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और ये जो जनरल एंट्री अपन ने पास करी है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जिस पार्टनर को लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, गेनर पार्टनर करेगा, और एंट्री होगी गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आशा करता हूं कि ये नया टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अपने इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं।
अगेन यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मेरे से बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास में है और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दैट्स ऑल, इट्स ओवर।